इस वक्त 1:30 हो रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं, बहुत लेट हो गए। मुझे लगता है अब तक तो तथीर को बिल्कुल भी यही होगा कि हम नहीं आ रहे। बेल बजाओ ना। अरे बेल बजाओ। क्या लगता है सो रहे होंगे? अरे यार मुझे तो पूरा वो लेना है ना। बेल बजा दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तारीज़ वर्ल्ड। मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ रोज़ा खोलने, मेरी पूरी फैमिली, और हाँ रोज़ा खोलने में सिर्फ 10 मिनट्स रह गए, इसलिए अजीम गाड़ी भगा रहा है। हम यहाँ फिर से लेट पहुँचे, रोज़ा खुल चुका है और हबीबी हम नीचे, हम बेबी के घर आए। हमारे घर में सब चीज़ें अचानक अचानक होती हैं। बेबी ने नया घर लिया है माशाल्लाह। अजीम शानजे अजीम को आवाज़ दे रही है। और अजीम इतना लंबा टाइम, 10 एक तो साल बाद देखी है, अभी देख रही होती है। ओके हम बेबी के घर आ गए हैं अभी माशाल्लाह, बेबी का ये नया घर है। अब यहाँ के भी जूस बना रही है ना, समोसे तले जा रहे हैं जी, टैंक में तो नहीं डलेगा। चले मैं अभी आपको बेबी की बैल्कनी दिखाती हूँ। मैंने सुना बेबी की बैल्कनी जो है वो बहुत अच्छी है। अभी पूरी तरीके से बेबी ने सेट नहीं किया, मगर मुझे तो माशाल्लाह पूरा सेट ही लग रहा है घर। बैल्कनी बेबी की बैल्कनी, वाह भाई ट्विंकल लाइट खोल ले यार, जबरदस्त। ये तो बहुत सेट सीन है, झूला शूला लगाया है यार। आप लोग व्यू चेक करें यार, इतना जबरदस्त व्यू है बेबी के घर के पास, और यहाँ बैठ के झूले में जो मजा आ रहा है, डिंग 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 डिंग, अब सही डिंग 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 हो रहा है। आई लाइक इट। देसी इफ्तारी के साथ साथ चटपटी इफ्तारी भी कर रहे हैं। हाय हाय बेबी, जब तुमने ये बनाई हुई थी क्या जरूरत थी, बिरयानी की शक्ल तो मस्त लग रही है। सबको बेबी की बैल्कनी बहुत पसंद आ रही है, यहाँ बैठ के खाने में जो मजा आएगा ना, यही मैंने कहा, ये जो व्यू है ना, ट्विंकल पीछे बेटे लदो लदो बिरयानी, क्योंकि बहुत अच्छी बनी है इसलिए हमने अभी बिरयानी नहीं निकाली, अभी हमने ये सब निकाला है, बिरयानी हम बाद में खाएंगे। यहाँ मैं रोज़ा खोल रही हूँ और मेरी आदत शुरू से यही है कि रोज़ा नमक और पानी से खोलती हूँ, तो बस अब रोज़ा खोल रही हूँ। और यहाँ जी तो पाकिस्तान देख के रोज़ा खोला जा रहा है, मुझे लगता है दुनिया के आधे पाकिस्तानी इसको ही देख के रोज़ा खोलते हैं, कसम से ये प्रोग्राम लगता है तब लोगों का रोज़ा खुलता है। इफ्तारी के बाद ये वाला सेशन होना जरूरी होता है, ग्रीन टी और कुछ लोग के लिए चाय विद केक। हम बिल्डिंग का मुआयना करने आए, रेडी मैं जिम देखने आए, 50 किलो इतना सब खा के और वो भी बिरयानी खाकर, नहीं सॉरी अभी बिरयानी नहीं खाई, बिरयानी का मरहला भी आना है। सारी हो गई थी, फिर हमने कहा कि देख कर आते हैं बिल्डिंग के नीचे क्या क्या है, यहाँ प्ले एरिया है तो यहाँ आए। बहुत अच्छा बड़ा सा प्ले एरिया यहाँ बनाया हुआ है बच्चों के लिए, शाम से जिद कर रही थी। ये देखिए स्विमिंग पूल भी है, सब खड़े हुए, स्विमिंग पूल दिखाती, इतना साफ सुथरा है ज़बरदस्त। ये देखे ये यहाँ स्विमिंग पूल भी है इसकी बिल्डिंग में। ये बच्चों के लिए, और ये टूट जाएंगे। वाओ शानजूल, ओके टेक शानजे, माशाल्लाह खुद चढ़ी है भाई। ओके कम 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 कम, ये
यहाँ मैं इन लोगों को समझाते समझाते खुद भी बच्ची बन गई, क्योंकि मुझे जैसे ही स्विंग दिखता है मुझे कुछ होने लगता है। तो यहाँ मैं अजीम को मना कर रही थी कि इतना तेज़ मत करो बच्चों का, कहीं ऐसा ना हम दोनों नीचे गिरे पड़े हो। चला मैं भी तेज सकती थी, मगर मुझे थोड़ा डर लग रहा था बच्चों का है कहीं हम दोनों गिरी ना जाए। और हमारे होते होते यहाँ बारिश भी हो गई है। अजीम बहुत, अजीम की हरकतें चेक कर ले। अजीम बच्चों का यार टूट जाएगा। ट्विंकल भी आ रही है, 1 2 3। यार बारिश भी हो गई है हमारे आते ही। क्या वेदर चल रहा है यूएई का, जबरदस्त। मम्मी इज स्टक। क्या खा रहे हो, थोड़ा सा तो दे दो। यू आर स्टक। वाकई स्टक हो गई थी। और यहाँ मम्मी अपना पाकिस्तानी ड्रामा देख रही है। इनका एक अलग तरीका होता है, ये मोबाइल पे गेम भी खेलती हैं और ड्रामे की आवाज़ सुनती रहती हैं। अब हमारा चलेगा बिरयानी का सेशन। ये हम निकाल के ले गए इसलिए आपको कम लग रही है। ये रही बिरयानी, अंदर गरम हो रही है। और ये रहे खीरे जो कट रहे हैं। बेबी माशाल्लाह एक शेफ की तरह काट रही है। जी जब तक पेप्सी ना हो ना बिरयानी के साथ तब तक मज़ा नहीं आता। तो यहाँ बिरयानी का सेशन चल पड़ा है और मैंने भी अपनी बिरयानी ले ली। और बिरयानी को जब तक हाथ से ना खाओ ना सही मज़ा नहीं आता। और मैं सच बताऊँ बिरयानी इतनी कोई मज़े की बनी थी यहाँ, नहायत ही चटपटी, दिल खुश हो गया। बेबी के घर से हम निकल गए और अब हम जा रहे हैं अपनी दोस्त को सरप्राइज देने। टाइम इस वक्त हो चुका है 12 से ऊपर। नहीं करो ट्विंकल इतनी देर से, अब उस अंदाजा होगा बेल बजने से वाला आ जाएगा सिक्योरिटी। हम शायद ना आए मगर हम जा रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 12:15। तो आज मेरी दोस्त का बर्थडे है और हम सब जा रहे हैं उसको विश करने। हमने केक भी ले लिया है। बेबी केक दिखाना। केक हमने लिया है, बेबी ने एक्चुअली लिया है बीआर केक। और सामान ये है सब बहुत एक्साइटेड हैं तथीर के घर के लिए। शो द एक्साइटमेंट गर्ल्स। मेरे बैठने के अंदर जगह नहीं है, मतलब जहाँ से मुझे बैठना है। तो अभी गाड़ी निकलेगी तो मैं बैठूंगी। चलो आओ देखें शान से। यार वैसे मुझे आप लोग बताइएगा एक बात। चले अभी गाड़ी में बैठ के पूछूंगी। बोलो नीचे आ। अभी हम जा रहे हैं मैरी को पिक करने। हाँ तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाला जो तरीका ये अच्छा है कि रात को 12 बजे घर पे विश करना चाहिए या फिर फोन पे विश करना चाहिए? 12:30 हो रहा है कॉल बाजू। मुझे कमेंट में बताइएगा तुम लोग क्या कहते हो, घर जाना चाहिए या फोन पे विश करना चाहिए? ठीक है भाई, मेरे जो यहाँ लोग बैठे वो कह रहे हैं वीकडे हो तो फोन पे विश करना चाहिए और वीकेंड हो तो घर पे जाना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग के दिन ट्रीट लेनी चाहिए भले वीकडे हो या वीकेंड। ट्रीट मस्ट है, ट्रीट जरूर लें। खैर अभी हम जा रहे हैं मैरी को लेने और फिर हम निकलेंगे तथीर के घर के लिए। हमने मैरी को भी पिक कर लिया है। अल्लाह हाफिज़। इस एक गाड़ी में पता नहीं कितने सारे लोग बैठे और सब जा रहे हैं तथीर को विश करने। इस वक्त 1:30 हो रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं, बहुत लेट हो गए। मुझे लगता है अब तक तो तथीर को बिल्कुल भी यही होगा कि हम नहीं आ रहे। चले खैर ये केक है हमारा और ये गिफ्ट्स हैं एंड बस अब हम जाने वाले हैं। लेट्स गो। जल्दी जल्दी बताओ किस किस को लगता है कि तथीर को अभी भी होगा? तथीर को पता है हमारे, तथीर को पता है हमारे, सबको यही लगता है। तथीर तैयार हुई नहीं बैठी हुई होगी,
आई एम श्योर वो शायद रेडी हो, मगर इस वक्त हम बहुत लेट हो चुके हैं, 1:30 हो रहा है। बट देन यू कैन प्ले विद मी। अब हम जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाना है गर्ल्स एंड बेबी। चलो 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 चलो, अरे आओ जल्दी, नॉक करो। चुप चुप बेल बजाओ ना। अरे बेल बजाओ, मैं नहीं बजा, सो रही हूँ। क्या लगता है, सो रहे होंगे? अरे यार मुझे तो पूरा वो लेना है ना, बेल बजा दो। भाग रहे होंगे। आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। I think जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। Happy birthday. ये नया टाइम है यार, हम लेट हो गए बहुत ज्यादा क्योंकि रास्ते में बारिश हो गई थी। कैसी बारिश हो रही है भाई? तो हम बहुत मैंने भी अपनी माँ को गिफ्ट दिए, चिली मिली दी है और क्या दिया, बुक कौन सी अजीब बुक, इंग्लिश कह रहा है कमजोर है, सही सही गिफ्ट दिया। मैंने ने ततीर को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी दी है, उसे लगता है कि मेरी माँ की इंग्लिश कमजोर है। ये क्यों दी है इसने डिक्शनरी? मम्मा योर वर्ड्स आर नॉट योर वर्ड्स, कमजोर हो गई है मेरी। वाओ, सबके लिए चिली मिली। मेरी का है। थैंक यू अन्ना। आइसक्रीम केक है, ऐसी रखा हुआ पता नहीं मेल्ट ना हो गया। ओ ये साइड से भी खुलेगा। डिंग 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 डिंग, निकाल लो ऐसे ही, खींच लो इस तरफ से, इधर से निकाल लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ततीर, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं तो ये है ततीर की 19th बर्थडे, 19 स्वीट 16 बर्थडे, माशाल्लाह। क्या है अजीम के साथ, अजीम फटी हुई शर्ट पहन के आया है। दिस इज स्टाइल, ये स्टाइल है, हद है अजीम। मैरी तुम तो जाके खा लो केक, मेरे मुंह में चिली मिली है। चिली मिली जरूरी है। ओके न्यू है, एक खाएगा दूसरा भी खाएगा। देखिए ये है हस्बैंड की मोहब्बत के 3 बजे उठ के जाना है पर फिर भी बेचारे उठ के आ गए। ये ततीर के गिफ्ट्स हैं, खुद ही दिखा दूं मैं अपने गिफ्ट्स हमने जो दिए हैं। ये मैंने दिया है, ये मैरी ने दिया है, नहीं सॉरी ये मैरी ने दिया है, ये अजीम ने दिया है केक बेबी की तरफ से। भाई ये केक देखिए, इनके पास एक कैट भी है, क्या नाम है इसका? लियो, लियो नाम है। दिखाओ मन्ना उठा के हाथ में, आई दिखाओ, इतनी क्यूट है ये। ओ शांजु लाइक हाय ब्रदर, मैंने एक बताया पूरे बहुत ओके ओके अल्लाह हाफिज़ डाल के उसको बनाओ टॉनिक। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर कमिंग।
ये देखिए हमने तथीर के घर से लुबान भी ले लिया है जाते वक्त, क्योंकि घर में जलाना बहुत अच्छा होता है मगरबे टाइम। तो ये थी दोस्त की बर्थडे, अब हम जा रहे हैं। चलो सब ओके, तो अब हम घर जा रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूले। बाकी अपने दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बोलो, बाय बोलो। मैंने बोला था, बोलो बाय 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 बाय।